हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 11 का भी बुक फॉलो कर रहे हैं। आरएस अग्रवाल, टॉपिक है हमारा एरर एंड एप्रोक्सीमेशन। क्यों पढ़ेंगे, ए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत में, ठीक है ना, जिसको हम लोग एरी एओडी के नाम से भी शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ठीक पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कौन कौन सा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, फर्स्ट पार्ट का जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11 का ए का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट मेजर, ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से मिले। अगर फिर कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एरर एंड एप्रोक्सीमेशन। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन यूज करेंगे, क्लास 11th में पढ़े थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। उसके लिए लेट, उसमें क्या था, लेट हमने माना y बराबर fx कोई फंक्शन है, क्या है इसको हमने माना fx, इक्वेशन फर्स्ट। अब y में क्या करते हैं, डेल y क्या लिखे, डेल y एंड डेल x एड इन क्या, किसमें y एंड x, क्या कर रहे हैं x और y में हमने डेल y एड किया और x में डेल x एड किया, तो y प्लस कितना हो जाएगा डेल y और x के करेंगे तो f इंटू कितना हो जाएगा x प्लस डेल x। इसको क्या मानते थे, इक्वेशन सेकेंड माना, ठीक है ना। अब सर डेल y और डेल x है क्या, यहाँ पर देखो अभी इतना समझो कि x है ना, x क्या है बहुत बड़ा पार्ट है, इसका छोटा सा पार्ट हो जाएगा कितना डेल x, यहाँ पर छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। x का स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा डेल x, तो y का स्मॉल पार्ट क्या है डेल y है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा y प्लस डेल y, अब माइनस कितना y, इधर दिस वन माइनस दिस वन, तो f इंटू एक्स प्लस डेल x और माइनस एफ एक्स, y डेल y प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचा डेल y और यहाँ लिखेंगे x प्लस डेल x और माइनस एफ एक्स, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, टेकन लिमिट डेल x टेंस टू जीरो एंड डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग DING डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ डेल x से डिवाइड देंगे और लिमिट डेल x टेंस टू जीरो लगा देंगे, तो यहां लिखेंगे लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, यहां हो जाएगा डेल y अपॉन कितना डेल x, यहां हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू जीरो और f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स अपॉन कितना डेल एक्स, ठीक है ना। चलो ये पूरा मिल करके इसको क्या लिखते हैं हम लोग dy अपॉन dx बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं dy अपॉन dx, ठीक है ना। और यहाँ पर एक अब यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा f इंटू एक्स प्लस कितना डेल एक्स माइनस कितना एफ एक्स और अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखो एफ एक्स वाई बराबर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इधर, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स और अपॉन कितना डेल एक्स, ठीक है। इस डेल एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स हो जाएगा, कुछ नहीं किया नीचे वाला डेल एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पर से एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये माइनस एफ एक्स को इधर ले आओगे तो प्लस एफ एक्स हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, इधर क्या बचा एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। अब इसको पहले लिख लो एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर, इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स और प्लस कितना इधर से सॉरी यहाँ सिर्फ एफ एक्स होगा ना, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स होगा और प्लस एफ एक्स, ठीक है ना। यही जो वैल्यू देगा यही हमारा क्या देगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, ये क्या देगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देगा किसी भी नंबर्स का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि सर डेल एक्स है क्या, डेल एक्स है क्या एरर, डेल एक्स को क्या बोलते हैं एरर इन किसमें एक्स, डेल एक्स बाई
एक्स को बोलते हैं डेल एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर, इन किस में? एक्स में। ये इसी में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज एरर इन एक्स। समझ में आ गया? चलो अब एक पॉइंट थोड़ा सा हम और यहां से लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। जैसे कि यहां से इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट को, यहां पर क्या है? dy अपॉन dx इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा है? f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स, और अपॉन कितना है इधर से? डेल एक्स है ना, इस वाले को हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ देखो dy अपॉन dx अपनी जगह सही है, ठीक है। देखो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखो तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स के ऊपर डेल वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये रहा हमारा डेल वाई, नीचे में कितना हो जाएगा? डेल एक्स। तो हम क्वेश्चन बनाने के क्रम में इस वाले रिलेशन को भी यूज करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स को भी यूज करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर अप्रोक्सीमेट के वेट वैल्यू किसका हो। जैसे मान लो इसका रूट अंडर 24 है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, लेकिन कहेगा डिफरेंशियल मेथड से, तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ये हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन बनाने के क्रम में इस वाले को, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, बस इसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन हमारा एकदम इजी वे में बन जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11 का बी में, पहले हेडिंग पढ़ लो, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 37, ठीक है ना। देखो इसको बनाते कैसे हैं, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। देखो इजी है एकदम, स्टेप बाय स्टेप समझो। लेट यहां लिखेंगे एफ एक्स, किसको एफ एक्स? यहाँ रूट है ना तो रूट लिख दो, यहाँ डिजिट क्या है 37 है तो इसके जगह सिर्फ एक्स लिख देना है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का सारा वीडियो अवेलेबल है आपके, हमारे वीडियो सॉरी क्या है, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 डिफरेंशिएशन के नाम से मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर से 37 लिखो, ठीक है। अब 37 का रूट के अंदर में है, तो 37 के नजदीक वाला कौन सा ऐसा वैल्यू होता है जिसका रूट हट जाता है, जिसका स्क्वायर रूट होता है? तो 36, ठीक है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 37 हो जाएगा। अब देखो जो ज्यादा वाला वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x, जो कम वाला वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डेल x। अभी समझाए थे कि क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, डेल x क्या होता है? बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब नाउ अब फॉर्मूला लिखेंगे, याद करो यहाँ घेरे थे फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, अब बराबर में क्या था, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, अब प्लस कितना, एफ एक्स, ठीक है। अब चलो जहां एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे, 36, जहां डेल एक्स है वहां पर 1, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू डेल एक्स, अपनी जगह सही है, और एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे रूट एक्स, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, एफ 37 1/2, अब यहाँ रूट एक्स है तो एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, 36, डेल एक्स के जगह पर 1, रूट एक्स है तो यहाँ लिखेंगे 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर 36 बाहर आ जाएगा, कितना 6 होगा, 1/1 ऊपर है 1 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, देखो F37 इक्वल्स टू यहाँ 1/, इधर हो जाएगा कितना 12 और प्लस 6, यहाँ हमने 12 एलसीएम लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कितना 72, तो 73/12, ठीक है ना। इसको डिवाइड दो, डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा 6.08, ये निकला हमारा F37, तो फाइनल आंसर हमारे पास यही हो जाएगा। तो क्या निकला कि सर रूट अंडर 37 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 6.08, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसी के बेसिस पर हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यहां पर रहता है क्यूब रूट ऑफ 29, क्या है क्यूब रूट ऑफ 29, तो लेट अब यहां क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू हमने माना क्यूब रूट, ठीक है ना, 29 है तो यहां हम x मानेंगे,
ये मानना पहले सीखो, वाई नहीं सॉरी एफ एक्स मानते हैं ना हम यहाँ एफ एक्स, ठीक है। अब इसको क्यूब रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर कितना 1/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, पहले पावर लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे फिर पावर लिखेंगे, जितना पावर उससे एक कम, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू फाइनली 1/3 इंटू एक्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 तो 1-3 होगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स का पावर -2/3, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बोलो, माइनस है तो पावर नीचे लिखेंगे 1/3 इंटू एक्स का पावर कितना 2/3, एफ डैश एक्स कितना निकला। अब देखो अब क्या चाहिए आपको, x और डेल x का वैल्यू, यहाँ 29 है तो 29 को लिखो यहाँ। अब 29 को दो पार्ट में लिखना है, ऐसा पार्ट लिखना है कि 29 की जो नजदीक वाला वैल्यू हो उसका क्या हो जाए क्यूब रूट निकलता हो, तो 27 देखो 27 और प्लस कितना 2। अब सर 27 ही क्यों ले, क्योंकि 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, नहीं होता है। अरे इसका देखो कैसे, तो देखो यहाँ पर से है 27 का पावर 1/3 है, इसको क्या लिखोगे 3 का पावर 3/1/3, ये कट गया 3 बचा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया हमारा x और ये क्या हो गया हमारा डेल x, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ लिखो नाउ एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स और प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह कितना 27 और डेल एक्स की जगह कितना 2, एफ डैश एक्स कितना है 1/3 एक्स का पावर 2/3, तो 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3 इंटू डेल एक्स रहने दो, और एफ एक्स कितना है एक्स का पावर 1/3, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 2 तो 29, अब 1/3 एक्स की जगह हम क्या 27 लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए 27, पावर कितना है 2/3 उसको भी लिखिए, डेल एक्स की जगह हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 27 इसका पावर 1/3, देखो 1/3 अपने जगह तो सही है, 27 को क्या 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं एकदम लिख सकते हैं इंटू 2, अब प्लस यहाँ भी 3 का पावर 3, अब पावर कितना 1/3, ये कट गया यहाँ से ये 3 कट गया, तो ऊपर में कितना 2 इंटू 1 तो 2 और नीचे में कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, अब प्लस इधर से 3 तो यहाँ कितना 2/3 इधर से कितना 27 और प्लस 3 हो जाएगा 27 एलसीएम लो, तो यहाँ हमने 27 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 83 और अपॉन कितना 27, ठीक है ना। इसको डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 3.074 आ जाएगा, यही हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा किसका क्यूब रूट ऑफ 29 का। और ये सब हम लोग किस मेथड से निकाल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन मेथड से, समझ में आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर है क्यूब रूट ऑफ 127, आपके बुक में जो है यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके बुक में सिर्फ 27 है, उसको सही कर लीजिए, कितना होगा 127, ठीक है। अब आ जाओ क्यूब रूट है तो रहने दो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लेफ्ट एफ एक्स इसको कितना क्यूब रूट लिख दो और इसके जगह एक्स, तो एफ एक्स इसको कितना हो जाएगा एक्स का पावर कितना 1/3, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3 निकाले हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमें 127 को लिखो, यहाँ 127 लिखे तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि इसके नियर अबाउट वाला का क्यूब रूट निकलता हो, तो भाई 125 का तो क्यूब रूट होता है 5 × 5 × 5, तो 125 और प्लस 2 कर दो, ये किसका काम करेगा एक्स, ये हो जाएगा कितना डेल एक्स का, ठीक है ना। नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स और प्लस एफ एक्स, ठीक है। एक्स की जगह कितना 125, डेल एक्स की जगह 2, एफ डैश एक्स कितना है 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3 इंटू डेल एक्स और प्लस एफ एक्स, एफ एक्स की जगह एक्स का पावर कितना 1/3, तो ये एफ कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा,
और वन अपॉन कितना थ्री, एक्स की जगह कितना 127 रखो, और यहाँ 2/3 आई इंटू डेल एक्स, डेल एक्स की जगह 2 और एक्स की जगह 127, इसका पावर 1/3। तो अब देखो यहाँ पर एफ 127 ठीक है, यहाँ कितना 2 × 1 तो ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 3 अपनी जगह ठीक है। देखो 127 नहीं जी, एक्स 125 है ना, एक्स क्या है 125 है, तो 125 को क्या 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 3 है, इसका पावर 2/3 प्लस कितना है 125 है यहाँ भी, तो यहाँ भी 5 का पावर 3, इसका पावर 1/3, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचा 2/3 इंटू इधर 5 का स्क्वायर बचेगा, इधर सिर्फ 5 बचेगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और प्लस 5 तो 2/ कितना इधर से 75 और प्लस 5, यहाँ से हम 75 हम एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे 75 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 पूरा जोड़ करके आपके पास कितना होगा 377, इसका इसको डिवाइड दो तो कितना हो जाएगा 5.027, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? फोन नंबर की तरफ चलते हैं, फोन नंबर है 0.24 रूट के अंदर में, यहां पर क्या आ गया पॉइंट आ गया रूट के अंदर में, ठीक है ना, क्या है 0.24 रूट अंदर, तो लेट यहां पर लिखो सॉल्यूशन, देखो ध्यान से लेट, हमने यहाँ क्या माना एफ एक्स इक्वल टू कितना रूट अंडर एक्स, बस मानना क्या है इस पे ध्यान दो, रूट के अंदर है तो रूट लिख गया, इसके अंदर में जो डिजिट रहेगा उसके जगह एक्स मान लो, अब मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ डैश एक्स कितना होता है 1/2√x, ठीक है, अब इसको लिखो 0.24, अब इसके नजदीक वाला कौन ऐसा वैल्यू होता है जिसका स्क्वायर रूट होता है, तो 0.25 का, तो सर आप बोलेंगे ज्यादा है तो कोई फॉर्म कोई बात नहीं 0.25 लिखेंगे, इधर हम -0.01 लिख देंगे, लिख सकते हैं ठीक है ना, तो अब यहां पर से देखो इसको 0.25 अब प्लस -0.01 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा डेल x, ठीक है ना। नाउ अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स और प्लस कितना एफ एक्स, ठीक है, यहाँ देखो एफ एक्स अपने जगह सही है, सॉरी एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे 0.25, डेल एक्स की जगह पर -0.01, एफ डैश एक्स कितना 1/2√x इंटू डेल एक्स अभी रहने दो और प्लस एफ एक्स, एफ एक्स कितना है रूट एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ इसमें से 0.25 में से 0.01 घटेगा तो 0.8 कितना 24 हो जाएगा, अब 1/2 रूट अंडर कितना है x, x के जगह पर कितना लिखेंगे 0.25, ठीक है, इनटू डेल x, डेल x के जगह पर -0.01, तो -0.01 अब प्लस इधर से 0.25, यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 तो अपने जगह सही है, इनटू इधर से कितना हो जाएगा देखो 0.25 का रूट में कितना होता है 0.5 होता है, इनटू -0.01 है इसको पॉइंट उड़ा दोगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, पॉइंट कहाँ उड़ा होगा, इसमें पॉइंट उड़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक मिनट को इसको ऐसे ही रखो, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इसको, तो यहाँ हो जाएगा -0.01, ठीक है ना, अब प्लस यहाँ 0. कितना 0.05, ठीक है, अब यहाँ पर से देखो -0.01 को ठीक है ऊपर में यहाँ पर 2 × 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा 0.5, तो यहाँ पर फाइनली 0.05 थोड़ी होता है जी, 0.5 ना होता है जी, 0.25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0.5 होता है, यहाँ ठीक लिखे हैं 0.5, यहाँ पर 1 कैसे आया, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है, तो यहाँ पर कितना -0.01 में 1 से डिवाइड करोगे तो यही रह जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर से कितना आ गया -0.01 अब प्लस कितना 0.5, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0.49 यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 0.24 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा 0.49, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
बच्चों फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है जी, यहाँ है रूट अंडर 49.5, कितना है 49.5। लेट हमने यहाँ क्या कंसीडर करा, एफ एक्स इज टू कितना मानेंगे रूट एक्स। इसके बाद क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो एफ डैश एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पर से 49.5 को क्या लिखेंगे, बोलो बोलो 49 अब प्लस कितना 0.5 लिख सकते हैं, अरे बोलो लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। x का वैल्यू कितना और डेल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे बोलो सर x का वैल्यू हो जाएगा कितना 49 और डेल x हो जाएगा ये 0.5 है, यहाँ 49.5 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ लिखो नाउ इसको मत दो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स और प्लस कितना एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह कितना 49, अब प्लस डेल एक्स की जगह 0.5, एफ डैश एक्स कितना 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू डेल एक्स और एफ एक्स कितना है रूट एक्स है, इसको जब ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 49.5 1/2 रूट अपने जगह बिल्कुल सही है, x के जगह पर क्या लिखेंगे हम 49 लिखेंगे, डेल x के जगह 0.5 लिखेंगे, राइट। अब प्लस यहाँ फिर से 49 का रूट से बाहर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ कितना 0.5, तो पॉइंट उड़ा करके नीचे हम एक ठो जीरो दे दो, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो 5 × 2 = 10 ये कट गया, तो यहाँ फाइनली कितना f 49.5 is equals to, यहाँ कितना निकला देखो, तो ऊपर में 5 × 2 = 10 ये कट गया, कितना बचेगा भाई 28, 1/28 1 अपॉन कितना 28 और प्लस कितना इधर से 7, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पर f 49.5 यहाँ 28 LCM लेंगे तो यहाँ कितना होगा बोलो बोलो 56 होगा, ठीक है ना। 28 को मल्टीप्लाई डिवाइड दो यहाँ पर से 28 × 7 कितना होगा 8 × 7 = 56 5 × 7 = 14 5 × 19 = 196 कितना होगा, यहाँ तो 1 होगा प्लस 196, तो 196 में एक ऐड कर दो तो 190 कितना हो जाएगा 7/28, ठीक है ना। इसको डिवाइड दो, डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 7.0357, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एफ 49.5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आया 7.0357, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिक्स नंबर। यहां है 15 लेकिन यहां फोर्थ रूट है, क्या है इसको क्या पढ़ते हैं फोर्थ रूट ऑफ 15, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना फोर्थ रूट ऑफ 4, यहाँ पर एक्स दे देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, पहले इसका मतलब समझो कि सर एक्स का पावर कितना 1/4, देखो 3 रहता है तो 1/3, कुछ नहीं रहेगा तो 1/2, ठीक है। तो चलो अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे, जितना पावर है उसे कम करेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, एक्स का पावर कितना इधर से -3/4, तो फाइनली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इधर से कितना, देखो पावर एक्स का माइनस में आ गया तो इसीलिए नीचे लिख करके हम 3/4 लिखेंगे, एफ डैश एक्स निकला। अब यहाँ कितना है 15 है, तो 15 को यहाँ लिखेंगे, अब 15 को टू पार्ट्स में क्या 16 और -1 लिख सकते हैं, सर 16 क्यों दिए, क्योंकि सर क्यूब रूट ऑफ किसका 16 का, सॉरी क्यूब रूट नहीं फोर्थ रूट होता है क्या 2 का पावर 4, 2 × 4 = 8 × 16, इसीलिए हमने 16 - 1 लिखा। तो अब यहाँ से 15 तो सही है, यहाँ से हम इसको प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, ये x और ये हो जाएगा हमारा डेल x, ठीक है ना। नाउ अब फॉर्मूला लिखेंगे f x प्लस कितना डेल x बराबर कितना होता है f डैश x इंटू डेल x और प्लस कितना एफ एक्स, ठीक है। यहाँ देखो x की जगह पर कितना हम लिखेंगे 16, डेल एक्स के जगह पर -1, एफ डैश एक्स कितना निकला 1/4 इंटू एक्स का पावर कितना इधर से
थ्री बाय फोर, तो यहाँ रहेगा थ्री बाय फोर आई इंटू डेल एक्स, अब प्लस एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स की जगह एक्स का पावर कितना वन बाय फोर, तो एक्स की जगह वन बाय फोर दिए, ठीक है ना। यहाँ ये कितना हो जाएगा एफ फिफ्टीन हो जाएगा, सिक्सटीन माइनस वन कितना फिफ्टीन ही ना होता है, और एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे बोलो सिक्सटीन, तो फोर यहाँ हो जाएगा सिक्सटीन का पावर कितना थ्री बाय फोर इंटू डेल एक्स, डेल एक्स की जगह कितना माइनस वन, फिर से एक्स है तो एक्स की जगह कितना सिक्सटीन, इसका पावर वन बाय फोर, ठीक है। इधर कितना माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, इसलिए माइनस हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ फोर सिक्सटीन की जगह पर हम क्या टू का पावर फोर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, यहाँ रहा थ्री बाई फोर प्लस यहाँ सिक्सटीन है इसमें भी टू का पावर फोर वन बाई फोर, ये कट गया फोर से फोर कट गया, तो यहाँ माइनस वन अपॉन फोर इंटू टू का पावर कितना इधर से थ्री, अब प्लस इधर से टू रहा, तो माइनस वन अपॉन कितना दो दूना चार दूनी आठ, आठ को चार से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा कितना थर्टी टू और प्लस टू, ठीक है। यहाँ हम थर्टी टू एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो माइनस वन, अब प्लस इधर से टू है टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सिक्सटी फोर, तो सिक्सटी फोर में से वन गया तो कितना बचा सिक्सटी थ्री और अपॉन कितना थर्टी टू, डिवाइड देने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि आपके बुक में आंसर इसका इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ये टू है, समझ में आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन बाय टू पॉइंट कितना है जीरो जीरो टू का होल स्क्वायर, कितना है वन बाय टू पॉइंट जीरो जीरो टू का होल स्क्वायर, आज अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, लेफ्ट एफ एक्स इसको टू कितना देखो वन बाय इधर से कितना है इसके जगह एक्स लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। हम इसको वन बाई एक्स स्क्वायर को एक्स का पावर माइनस टू लिख सकते हैं ऊपर जाएगा तो, अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस टू पहले पावर फिर जितना ही पावर है उससे एक कम, तो एफ डैश एक्स इसको टू माइनस टू इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा माइनस थ्री, तो एफ डैश एक्स इसको टू कितना माइनस टू और अपॉन कितना है एक्स क्यूब लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कैसे तो इसको नीचे लाए ना, क्या अब यहाँ पर से कितना है 2.002, इसको हम 2 प्लस 0.002 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा डेल x, ठीक है। नाउ अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ एक्स प्लस कितना होता है डेल x बराबर एफ डैश एक्स इन टू डेल एक्स, अब प्लस कितना है इधर से एफ एक्स, ठीक है। अब चलो यहाँ f तो ठीक है x की जगह पर कितना 2, डेल x की जगह 0.002, एफ डैश एक्स कितना निकाले हैं माइनस टू बाई एक्स क्यूब, माइनस टू बाई एक्स क्यूब आई इंटू डेल एक्स, अब प्लस एफ एक्स कितना है एफ एक्स, एफ एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर, तो वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.002, ठीक है। यहाँ पर से माइनस टू अपॉन कितना एक्स, एक्स की जगह पर टू है तो टू का पावर क्यूब इंटू डेल एक्स, डेल एक्स की जगह 0.002, ठीक है, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हमने टू रखा तो माइनस टू अपॉन यहाँ पर दो दूना चार दूनी आठ हो जाएगा इंटू 0.002 है, इसको पॉइंट उड़ा करके नीचे में तीन टू जीरो रख दो प्लस वन बाई इधर से कितना हो जाएगा फोर, ये जीरो तो खत्म दो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर से कितना हो गया था माइनस हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस ऊपर में वन और नीचे में कितना हो जाएगा 2000 प्लस वन बाई फोर, 2000 एलसीएम ले लो नीचे में, यहाँ पर हमने क्या किया 2000 एलसीएम लिया, यहाँ कितना होगा देखो यहाँ हो जाएगा माइनस वन, अब प्लस इधर से कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, अरे 4 को डिवाइड दोगे 2000 तो 500 हमें कटेगा तो इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब 500 में से 1 गया तो कितना बचेगा 499 अपॉन कितना 2000, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड दो, डिवाइड दो, ये काम हम ही कर दें, गजब है, आ जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2495 डिवाइड दोगे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। चलो उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।